हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जुड़वा बच्चों के बारे में। आज आप जानेंगे कि जुड़वा बच्चे क्यों और कैसे होते हैं, और किस केस में दो जुड़वा बच्चों का फेस एक जैसा होता है और किस केस में अलग अलग होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जिसे मेडिकल टर्म में मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जिसे कि फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहा जाता है। जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं और इसके बारे में बताने से पहले हमें फीमेल फर्टिलिटी सिस्टम यानी कि महिला प्रजनन प्रणाली के बारे में समझना जरूरी है। महिला प्रजनन प्रणाली के श्रोणी के बीचों बीच बच्चेदानी यानी कि यूटेरस होता है, और यूटेरस के दोनों ओर एक एक फलोपियन ट्यूब होती है, जिसे हम नले भी कहते हैं, और दोनों के आखिर में एक अंडाशय होता है, जिसे हम ओवरी कहते हैं। नॉर्मली एक महिला को हर महीने दोनों ही ओवरीज में से एक ओवरी से एक अंडा यानी कि एक तैयार होता है, जो फलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, और अगर इसका मेल यहाँ शुक्राणु से हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन अगर शुक्राणु से मेल नहीं होता तो अंडा बच्चेदानी में आता है और महिला की पीरियड्स यानी कि महामारी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो अंडाशय की थैली से एक अंडा निकलता है, और इसके बाद सेक्स के समय पुरुष की शुक्राणु रिलीज होती है, वो तेजी से बच्चेदानी की ओर बढ़ते हैं और वहाँ से फलोपियन ट्यूब में प्रवेश करती है। यहाँ पुरुष का शुक्राणु तेजी से अंडे की ओर बढ़ता है, और फीमेल की फलोपियन ट्यूब में केवल एक ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर पाता है। अंडे का शुक्राणु से मेल होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जाइगोट यूटरस की ओर बढ़ते हुए दो हिस्सों में बट जाता है, और इस तरह से दो भ्रूण तैयार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों ही भ्रूण में विकास होना स्टार्ट हो जाता है, और ये फलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर बच्चेदानी की परत पर जाकर चिपक जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ बच्चेदानी में दो बच्चों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस केस में दोनों ही बच्चे एक ही शुक्राणु से निषेचन करके तैयार होते हैं, इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस सेम सेक्स यानी कि दोनों ही बच्चे लड़की या दोनों ही बच्चे लड़के हो सकते हैं, और साथ ही साथ दोनों की फेस भी काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। अब बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल यानी कि फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में। तो इस केस में अंडे की थैली से एक नहीं बल्कि दो अंडे तैयार होकर निकल जाते हैं, और फिर फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद पुरुष के शुक्राणु तेजी से यूटेरस के रास्ते फलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। इस केस में एक के बजाय दो अंडे फलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। फलोपियन ट्यूब में शुक्राणु तेजी से अंडे की ओर बढ़ते हैं, और दोनों ही तैयार अंडों का मेल एक एक यानी कि अलग अलग दो शुक्राणु से हो जाता है। इस केस में इसके बाद दो अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से दो भ्रूण तैयार हो जाते हैं। अब ये भ्रूण फलोपियन ट्यूब से बाहर आकर यूटरस की परत पर चिपक जाते हैं, और धीरे धीरे दो यंग वंस यानी कि बच्चों का डेवलपमेंट तैयार होने लगती है। लेकिन इस केस में दो अंडों का मेल अलग अलग दो शुक्राणु से होता है, इसलिए दोनों ही ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चों का सेक्स सेम भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, और इस केस में जन्मे बच्चों का फेस और शारीरिक संरचना भी एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो अब तक आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि जुड़वा बच्चे क्यों और कैसे तैयार होते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना जुड़वा बच्चे चाहते हैं या नॉर्मल सिंगल बेबी चाहते हैं? इस बारे में हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप जुड़वा बच्चे होने के कारण के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम में मैसेजेस करके बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वैसे अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनकी भी इस टॉपिक पे पूरी और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिल सके।